हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है सियासी संग्राम। अगर बात करी जाए सत्यपाल मलिक की तो वो राज्यपाल रहे, बीजेपी के बड़े नेता रहे और अब जिस तरीके से मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, ये माना जा सकता है कि अगर वो ऐसे ही आरोप बीजेपी सरकार पर लगाते रहे तो इस सरकार का गिरना लगभग तय माना जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये चर्चाओं के दौरान जो है हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और सत्यपाल मलिक ने आखिर क्या कुछ कह दिया जिसके बाद सियासी बवाल मचा हुआ है वो भी आपको बता देते हैं। दरअसल उन्होंने खुलासा किया और कहा कि मुझे 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से और दो फाइलें थी दरअसल जिन पर मुझे सिग्नेचर करने थे, वो जो कहीं ना कहीं जो प्रोजेक्ट था उसको हरी झंडी देनी थी और ये जो है वो कहीं ना कहीं अंबानी की फाइल थी और दूसरी फाइल की अगर बात करी जाए तो ये आरएसएस के बड़े नेता की थी। अगर उनके दावे को सच माना जाए तो 300 करोड़ की रिश्वत बहुत बड़ी होती है। हालांकि राज्यपाल की अगर बात करी जाए तो कोई छोटी मोटी रिश्वत उन्हें दी जाएगी इस बात की संभावनाएं जो है वो बेहद कम है। लेकिन आरोप जो है वो काफी संगीन है क्योंकि बीजेपी जो लगातार ये कहती है कि हम काले धन के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम जो है वो रिश्वतखोरी के खिलाफ हैं। दूसरी तरफ अगर सत्यपाल मलिक की बात करी जाए तो देखिए बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहे हैं और ऐसा नहीं है कि वो पहली बार जो है वो बीजेपी के खिलाफ तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे साथ खास सहयोगी हैं अबरार। अबरार आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपसे सीधा सवाल यही रहेगा कि सत्यपाल मलिक जो आरोप लगा रहे, कह रहे कि 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की मुझे कोशिश की गई और दो फाइलें दरअसल जो है वो पास करवाना चाहती थी बीजेपी, क्या ये सियासी एजेंडा है या फिर इस बात में कुछ सच्चाई है, आपको क्या लगता है? देखिए सत्यपाल मलिक वो नेता हैं और वो आप कह सकते हैं कि जो है राज्यपाल हैं, जो लगातार इससे पहले भी जिस तरीके से उन्होंने जो है कई बार बयानबाजी की है तो वो ठीक इसी तरीके की बयानबाजी कभी जो है भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में क्या करते थे और लगातार विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं वो नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन इस समय जिस तरीके से मामला बिगड़ता नजर आ रहा है, इस समय जो मामला बदलता नजर आ रहा है, दरअसल उसके पीछे सीधे तौर पर आप मान सकते हैं कि राजनीतिक खींच है ये और राजनीतिक दुश्मनी एक तरीके से जो है सत्यपाल मलिक के द्वारा निकाला जा रहा है। बीजेपी पर जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं और दरअसल कई जो है बड़ी वजहों की वजह से भी लगाए जा रहे हैं, हालांकि अगर इस तरीके की बात है तो जाहिर सी बात है कि सत्यपाल मलिक को सबूत पेश करने चाहिए और बीजेपी पार्टी पर जो है FIR दर्ज करवाना चाहिए। तो ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक रूप से कहीं ना कहीं अपने जो है हित में तमाम तरीके की बातों को बनवाने के लिए सत्यपाल मलिक ये सारी बातें कह रहे हैं। हालांकि इससे पहले जब वो किसी और राज्य के जो राज्यपाल थे तब वो पूरी तरीके से बीजेपी के समर्थन में बयान दिया करते थे और बीजेपी की हर बातों पर वो हामी भरा करते थे और विपक्ष के तमाम नेताओं को और विपक्ष के उन तमाम जो है बड़े मुद्दों को जो है वो दरकिनार कर दिया करते थे। तो इसको कैसे सच मान लिया जाए कि अब जो सत्यपाल मलिक कह रहे हैं वो सच है और तब जो कहा करते थे क्या वो झूठ था? तो बिल्कुल इस समय असमंजस की स्थिति है और बीजेपी को अब ये तय करना है कि बीजेपी ने जिसे राज्यपाल बनाया, जिसकी बदौलत जो है सत्यपाल मलिक राज्यपाल बने, आज वो वाकई अगर यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ ये संगीन आरोप लगा रहे हैं तो इस पर जांच का विषय है और बीजेपी को भी अपने पक्ष को रखना चाहिए कि वाकई क्या इसमें कोई सच्चाई है या फिर ये जानबूझ करके जो है यहाँ पर सनसनी जो है फैलाई जा रही है। बिल्कुल अबरार, यहाँ पर एक सवाल और बनता है कि अगर बीजेपी पर कोई भी नेता, वो चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे वो महाराष्ट्र की कोई पार्टी हो या फिर किसी और प्रदेश की पार्टी हो, कोई नेता अगर गंभीर आरोप लगाता है तो बीजेपी उसके खिलाफ ईडी और सीबीआई का शिकंजा कस देती है। तो अगर सत्यपाल मलिक की बात करी जाए तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, आखिर इसकी वजह आपको क्या लगती है? देखिए सत्यपाल मलिक जितने बड़े नेता हैं और जितने लंबे समय तक वो राजनीति में रहे, जाहिर सी बात है कि बीजेपी की कई बातें उनको पता होंगी और यही वजह है कि बीजेपी नहीं चाहती कि उस जो है आग में फिर से एक बार जो है घी डाल करके उसको सुलगाया जाए। हालांकि अगर उनके खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई की जाएगी तो जाहिर सी बात है कि वो बयानबाजी फिर से खुल करके करने लगेंगे क्योंकि उनका राजनीतिक जीवन तो लगभग समाप्ति की ओर जा रहा है और बीजेपी को एक लंबी राजनीति करनी है और इस समय चुनाव का माहौल है, चुनावी माहौल है, 2024 नज़दीक है। इस वजह से बीजेपी हर उस गलती को जो दरकिनार करना चाहती है, लेकिन ये संगीन आरोप हैं और इन आरोपों पर
जो है बीजेपी को अपना पक्ष ज़रूर रखना चाहिए। जहाँ तक कार्रवाई की बात है तो कार्रवाई इसलिए भी नहीं की जा रही है क्योंकि वो अभी भी उस बड़े पद पर हैं और राज्यपाल रहते हुए कोई भी पार्टी या राज्यपाल रहते हुए कोई भी आरोप या फिर FIR दर्ज किसी राज्यपाल पर नहीं करवा सकते जब तक वो अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देते। तो ये कानून है और इस वजह से आप कह सकते हैं कि एक बंदिश ज़रूर है कि राज्यपाल रहते हुए आप किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो है कोई कार्रवाई नहीं करवा सकते। बिल्कुल अबरार, यहाँ पर एक और कहीं ना कहीं सवाल ये बनता है कि आम आदमी पार्टी की अगर बात करी जाए तो बीजेपी का जो दुश्मन है वो आम आदमी पार्टी का दोस्त है, ऑटोमेटिकली चीज़ें जो है वो नज़र आ रही हैं। तो संजय सिंह जो से लेकर तमाम जो नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि देखिए हम एक आपको वीडियो क्लिप दिखा रहे हैं और इस वीडियो क्लिप में सीधे 300 करोड़ की बात कहते हुए सत्यपाल मलिक नज़र आ रहे हैं। अब अगर बयानबाजी की बात करी जाए तो कोई 500 करोड़ भी बोल सकता है, 700 करोड़ भी बोल सकता है। क्या ये एक बड़ी वजह है जिस पर जनता भरोसा करेगी, भले ही सरकार गिरे या ना गिरे, पीएम मोदी को इस्तीफा देना पड़े अपनी कुर्सी से ना देना पड़े, लेकिन इस तरह के आरोप जो है वो बीजेपी के खिलाफ ज्यादा देखने को नहीं मिले हैं। सत्यपाल मलिक जो बात कह रहे हैं जिसको लेकर आपने कहा कि वो अपनी पॉलिटिकल खींच जो है वो उतारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये भी बनता है ना कि इतने साल बीजेपी के साथ रहने के बावजूद राज्यपाल बनाया बीजेपी ने, जो बड़ा कहीं ना कहीं ओहदा होता है, ऐसी क्या मुश्किल आन पड़ी है, ऐसी क्या वजहें जिसकी जिन वजहों से वो ये आरोप जो है वो बीजेपी पर लगा रहे हैं। देखिए बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एक लंबा उनका जो है कार्यकाल रहा है बीजेपी के साथ और अभी वो राज्यपाल हैं तो बीजेपी की तरफ से बनाए गए हैं। तो जाहिर सी बात है कि राजनीति में कई ऐसे बड़े मोड़ आते हैं। आप देखिए कि गुलाम नबी आज़ाद किस तरीके से इतने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के साथ रहते हुए आज बीजेपी के करीब दिखाई देते हैं। तो ये इस तरीके के उतार चढ़ाव, इस तरीके के परिवर्तन राजनीति में देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन सत्यपाल मलिक जो बातें कह रहे हैं और जिस तरीके से लगातार वो लगभग 1-1.5 साल से बीजेपी के खिलाफ ये बयानबाजी कर रहे हैं, ये गंभीर बयानबाजी, ये गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों को कहीं ना कहीं सिद्ध करने के लिए उनको या तो सबूत पेश करने चाहिए या फिर बीजेपी को अपने पक्ष को रखकर कम से कम जनता के बीच जो एक असमंजस की स्थिति पैदा होती है उसको ख़त्म करना चाहिए। बिल्कुल, सत्यपाल मलिक को लेकर जो है हमने अबरार से तमाम तरह के सवाल लिए और ये जानने की कोशिश की कि क्या सत्यपाल मलिक जो है वो अपनी पॉलिटिकल खींच उतार रहे हैं या फिर इन दावों में कोई सच्चाई है। दरअसल राहुल गांधी की अगर बात करी जाए तो अंबानी को लेकर और अडानी को लेकर वो कहते रहे कि बीजेपी जो है दरअसल ये दो ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनको लेकर कोई समझौता नहीं करती, अगर उनकी कोई फाइल कहीं अटकती है तो खुद पर्सनली पीएम मोदी जो है वो क्लियर करवाते हैं। ये तमाम चीज़ें ये बताती हैं कि दाल में कुछ काला है और इसी को लेकर राहुल गांधी तमाम तरह का विरोध प्रदर्शन देश भर में कर रहे हैं, उनकी सदस्यता छिन जाती है। लेकिन सत्यपाल मलिक की अगर बात करी जाए तो वो देखिए राज्यपाल रहे हैं और राज्यपाल के खिलाफ ऐसी कार्रवाई अगर मान लीजिए बीजेपी कर भी देती है तो उन्हें तमाम तरह के जो राज हैं बीजेपी के वो पता हैं और अगर वो खोल देते हैं तो फिर बड़ी मुश्किलें सरकार के लिए खड़ी हो जाएंगी। सुब्रमण्यम स्वामी की अगर बात करी जाए वो भी इसी तरह के नेता हैं, कांग्रेस में रहे, बीजेपी में आए, बीजेपी के खिलाफ भी बोलते हैं, कांग्रेस के खिलाफ भी बोलते हैं और कोई भी अगर वो चाहे पीएम मोदी या फिर कोई और जांच एजेंसी उनके खिलाफ कुछ नहीं कर पाती। अब आपको क्या लगता है कि सत्यपाल मलिक जो दावे कर रहे थे उन दावों में कोई सच्चाई है या फिर पॉलिटिकल खींच है या फिर इसके इतर भी कोई राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, चाहे वो कांग्रेस को लेकर हो, आपको लेकर हो, जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएगा। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।